हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान बुटिक में। दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं पैंट की कटिंग। ये हमारा नाप है, लेंथ है 34, वेस्ट है 39, थाई है 27, बॉटम है 11 इंच है, 11 का 10 5.5 होता है, तो यहाँ आपने 5.5 लिखा हुआ है। कटिंग सीखने के लिए वीडियो पूरा देखें, स्पिक ना करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, ये हमारा जो कम ज़्यादा कपड़ा है इसको काट के सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमने डबल लेयर में बिछाया हुआ है कपड़ा, और ये हमारे बड़े अर्ज का कपड़ा है, इसलिए सिंगल सिंगल पीस करके कटिंग करेंगे। पहले फ्रंट कटिंग करेंगे, फिर बैक कटिंग करेंगे इसकी, क्योंकि ये 1.5 मीटर कपड़ा है, डबल रख के कटिंग नहीं हो सकता, इसलिए हम दो पल्ले इसके अलग अलग कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसमें 1.5 इंच की बेल्ट लगेगी, तो 1.5 इंच माइनस करके लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी जो है 34 है, तो हम आधा इंच एक्स्ट्रा पर लगाएंगे 34.5 पे। यहाँ पे स्केल की मदद से एक सीधा निशान लगा लेंगे। अब हमारी जो वेस्ट है 39 है, 39 को 4 में डिवाइड करेंगे, जो भी फॉर्मूला निकलेगा वहाँ यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 39 को हम 4 में का डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 0.5 इंच, तो हम यहाँ पे 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखिए, हम 2.5 इंच इसमें प्लस एक और निशान लगाएंगे एक्स्ट्रा प्लेट्स के लिए और मार्जिन के लिए। अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे 1.5 इंच माइनस करके। 12.5 इंच हमने आसन रखना है इसका, तो 12.5 पे निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरह से। और हमने यहाँ पे भी, ये हमारा 12.5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम 12.5 पे निशान लगा लेंगे एक इस तरह से। ये देखिए, और यहाँ से कम हमने 0.5 इंच डाउन कर देना है आसन की जगह पे इस तरह से। और अब हमने साइड की जो हमारी सिलाई आती है उस साइड पे हमने इस तरह से स्केल रखना है, और यहाँ पे कम से कम 2 इंच स्केल नीचे करके शेप दे देनी है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमने शेप देनी है, और नीचे की साइड हम कम से कम 2 इंच 2.5 इंच फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लेंगे। जितना आपको फोल्ड चौड़ा करना है उसी हिसाब से हम मार्जिन रख सकते हैं। हमने इसका 2 इंच रखा है, इसकी बॉटम है 11 इंच, तो 11 का आधा 5.5 होता है, 5.5 यहाँ पे बॉटम का निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम आसन वाली गुलाई का शेप दे देंगे इस तरह से। अब जो हमारी थाई है 27 है, तो उसको 2 में डिवाइड करेंगे तो 27 का आधा 13.5 इंच आएगा, तो हम यहाँ पे 13.5 प्लस 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 14 इंच पे निशान लगाएंगे हम, और ये वाले स्केल की मदद से इसको यहाँ रख के इस तरह से शेप दे देंगे फिटिंग की। ये देखिए, अब हमने इसका जो आसन और ये हमारा है बेल्ट की फिटिंग का, उसको हम बीच यहाँ से नापेंगे, 12.5 आ रहा है, तो हम इसका सेंटर बना लेंगे, 6.25 पे आएगा इस तरह से। और यहाँ पे इस तरह से खींच के प्लेट डालने के लिए एक निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पे, हम 4.5 इंच लंबी एक प्लेट डालेंगे। और अब हम इसको कटिंग कर लेंगे, वेस्ट है 39।
सबसे पहले नीचे से कटिंग करेंगे इस निशान पे। यहाँ पे एक पैर का मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे। ये आसन की कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने ये आसन के साइड डाउन किया था इसको भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा कटिंग हो गया है। ये अब यहाँ पे एक कट लगा लेंगे प्लेट्स का। हमने कम से कम 1 सवा इंच चौड़ी प्लेट डालनी है तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी कट लगा लेंगे। अब बैक की साइड एक निशान उठा लेंगे। ये हमारा फ्रंट का पल्ला कटिंग हो चुका है दोस्तों। अब हम इसी को रख के बैक का पल्ला कटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरह से कपड़ा रख लिया। ये भी डबल फोल्ड है बैक का पल्ला। ये इस तरह से हम बिछा लेंगे इसको, फ्रंट के पल्ले को इसके ऊपर रख के इस तरह से। अब हम स्केल की मदद से निशान लगाएंगे यहाँ पे। बैक का आसन जो होता है थोड़ा सा बढ़ती कटेगा 2 इंच। यहाँ पे इस तरह से तिरछा निशान लगाएंगे। ये देखिए लास्टिक फोल्ड करने के लिए आपकी जितनी लास्टिक चौड़ी है उसी हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन रख सकते हैं 2-2.5 इंच। हम यहाँ पे 2.25 इंच मार्जिन रखेंगे। ये निशान स्केल की मदद से सीधा निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमने लास्टिक के लिए, लास्टिक फोल्ड करने के लिए मार्जिन रखा है। और यहाँ से इस साइड से भी हम कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे और इस तरह से इसको शेप दे देंगे। और इस साइड से भी हम कम से कम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आपका कोई सा भी नाप हो, हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक के आसन में और साइड की फिटिंग में 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन। जो हम कटिंग करेंगे बैक का पल्ला एक्स्ट्रा ही रहेगा। अब ये हम इस निशान पे कटिंग कर लेंगे इसको। इस साइड से बराबर ही कटिंग होगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बैक का पल्ला भी कटिंग हो गया है। अब हम इसकी पॉकेट के लिए यहाँ निशान लगाएंगे ऊपर से 2 इंच छोड़ के, फिर 5.5 इंच पे एक निशान लगाना है यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए 5.5 इंच ये हमारी पॉकेट लगेगी। एक साइड जिप लगेगी। ये हमारा कट लग गया। ये देखिए ये हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको हटा देंगे, इसकी पॉकेट कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। पैंट की स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। ये हम इस तरह से रखेंगे डबल फोल्ड में। इसकी पॉकेट की जो लंबाई है वो हम लेंगे 15 इंच। 15 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से रखेंगे 5 इंच और यहाँ से राउंड शेप दे देंगे हल्की सी। और यहाँ से हम रखेंगे मार्जिन समेत 8 इंच रखेंगे और इस तरह से शेप दे देंगे और ये कटिंग कर लेंगे।
ये देखिए, अब यहाँ से कम हमने 6.5 पे निशान लगाना है नीचे से, और यहाँ से 5.5 पे जो ओपन रहेगा हमारी पॉकेट, वो 5.5 इंच का ओपन रहता है। यहाँ कट लगा लेंगे, ये देखिए ये हमारी पॉकेट कट गई है। दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर।